अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कायनात की दुनिया। ये देखो हमारे फ्लैट में बकरे आ चुके हैं क्योंकि बकरा ईद करीब है और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले पार्क। ये हम पहुंच चुके हैं पार्क, जिस जगह पहले भी आए थे एक दफ़ा। ये पार्क एक्चुअली मेरी भतीजियों की दोस्तों के साथ वो कभी आई थी तो उन्होंने डिस्कवर किया था और अब हम यहाँ पर आने लगे हैं। ये है बहुत अच्छा, यहाँ पे लड़के फुटबॉल भी खेल रहे थे, झूले भी बच्चे झूल रहे थे। ये देखें फुटबॉल खेल रहे थे, अलग अलग टीम्स बना के ये लोग फुटबॉल यहाँ पे खेलते हैं। क्या हुआ इसमें? तो आज हम चादर भी लाए थे बैठने के लिए। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे एक जगह बैठो। आज हमारे साथ पार्टी करो, आज दोस्तों। क्या हुआ इसको बांध के? अच्छा, मौसम तो अच्छा था लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी और बारिशें अब तक नहीं हुई हैं। एक तरह से मैं खुश भी हूँ क्योंकि बारिशें होंगी तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी होगा। यहाँ पे अनीज़ा को देखिए, अनीज़ा अपनी शरारतें कर रही थी। ये जहाँ भी जाती है आजकल अपना बैग लेकर आती है पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ हमने दिया था चिप्स का ऑर्डर और अभी चिप्स बन रहे थे, आसिफ लोग लेने जा रहे थे चिप्स, तो हम आसिफ को बता रहे थे कौन से मसाले वाले होंगे कौन से मसाले वाले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कैंटीन भी है। आसिफ जा रहा था यहाँ पे चिप्स लेने के लिए ऑर्डर लेने के बाद। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अयाना की मेहंदी जो उसकी मामा ने लगाई है, भाभी ने मेहंदी लगानी सीखी है। और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर चाय बन रही थी हम लोगों के लिए। सबसे अच्छा यही होता है, अपना थर्मस लाओ, अपनी चादर लेकर आओ, पार्क में बैठो घास पे, आ हा 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 क्या मज़ा आता है गाइस। आज थोड़ी गर्मी थी, हफ्स था और बारिश नहीं थी, थोड़ा सा मसला था। हवा भी कम चल रही थी मतलब, लेकिन उतनी नहीं, तो थोड़ा सा आज हफ्स था। कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, खैर गर्मियों में गर्मियाँ नहीं होंगी तो क्या। बहुत मुश्किल ना, तो बाहर से ही लेके आया करो। मामा को तो फायदा, हम लोग को चाहिए बाहर से ही लेकर। बहुत पनिशमेंट है। तो अनीजा इधर आओ जरा, थोड़ा करीब आ जाओ। कैसा लग रहा है आपको पार्टी करके? अच्छा। फैमिली के साथ अच्छा लगा? मेरा का आज अनीजा, तुम्हारे उस वाले चिप्स का क्या होगा? मसाले वाली है अनीजा, क्या होगा तुम्हारे उस वाले चिप्स का? वो भी खाओगी? अच्छा ठीक है, पहले ये खा लो। कुछ नहीं लाते ना, तुम इस साइड चली जाओ, ठीक है? हाँ इस वाले में मक्खन लगाने में देखा। गाइज अनफॉर्चुनेटली गुलशन इकबाल में पिज़्ज़ा पॉइंट की कोई भी डाइनिंग अवेलेबल नहीं थी। हम घूमते घुमाते आ गए स्टोव क्लब के वहाँ, लेकिन आज हमने स्टोव क्लब में नहीं, आज हमने उसके बराबर वाले रेड क्लब में, रेड कोल में खाना खाया। अब बोलो क्या हुआ, बेइज्जती क्यों हुई आसिफ की, बताओ जरा जोर से। पिज्जा पॉइंट बंद कर दिए दोनों, डाइनिंग नहीं थी। अरे इतना दूर बता रहा है, फोन नंबर क्या था? अब हम कहाँ आए, अब आप कहाँ आए बताओ? रेड कोल, अनिया अनीजा रेड कोल ले
कोला नहीं कोल कोला कोला नहीं बे कोला तो ये रही कोला नहीं फंटा कोला गोला 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 तुमको बोलने नहीं आता तुमको बोलने नहीं आता तुम तोतली हो चलो प्लेट में करो खाना लग गया बच्चों खाना लग गया बच्चों खाली खाना खाली प्लेट में खा लो अब बात ऐसी अनीजा तुम्हारी बर्थडे के लिए मेरे पास दो आइडिया हैं ठीक है मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि मैं वो आइडिया क्या में से क्या करूँ तुम्हें बैग्स का बहुत शौक है ना कि तुम जो पिकनिक करती हो बैग लेके जाती हो मैं तुम्हारे लिए कोई बैग ले लूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो जो कुरान पढ़ती हूँ स्कार्फ ले लूँ कह लूँ तो मैं बैग ले लूँ बैग ले लूँ ये कौन सी लॉजिक है बे ये चला आपको देखे कहते दोनों ले लो तो ये कौन सी लॉजिक हुई अनीजा और इसका भी फट जाएगा तो फिर नहीं लेना चाहिए ना क्योंकि दोनों फट जाएंगे तो तब मैं कुरान पढ़ के छिप पाऊंगी और स्कूल के अच्छे जाऊंगी लेकिन स्कूल वाला बैग नहीं अनीजा ये वाला बैग जो तुम लेके नहीं आती हो ये जो पार्टी पार्टी में लेके आती हो उसमें मैं कदाब नहीं आती कदाब कदाब नहीं आती कदाब चलो हम सोचते हैं ठीक है फिर डिस्कशन करते खाने के बाद ताली ओके अरे पी रहा है वो पी रहा है तेरी गोल्डन पी रहा है मैं तो ठंडा पीऊंगी ठंडा क्या है उनका प्लान गरम हो गई है तोरी तोरी आइसक्रीम खाओगी अनीजा तुम कौन सा आइसक्रीम खाओगी अंजा तुम कौन सा आइसक्रीम खाओगी मैं तो तुम भी तो चॉकलेट खाओगी बताओ आइडिया दो देना आइडिया अबे इधर दे आइडिया ब्लॉग में दे खाएंगे पिस्ता अनीजा एक बार और क्या कर रही थी तुम एक बार और जो तुम कर रही थी ये देखे गाइस झकोड़ी भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी झकोड़ी ऑफ द यूनिवर्स क्या कर रहे हैं अनीजा खाना खा रहे हमारे पीछे वाले स्ट्रोकलॉप है और स्ट्रोकलॉप के पीछे कौन क्या है और अनीजा आज हम कहाँ का खाना ट्राई कर रहे हैं रेड कोला का रेड कोल्ड का रेड अब कोला से कोल्ड हो गई आरे आरे अच्छा तो बताओ ना तुम खाने को रेटिंग दोगी ना मैं तो मक्की खाऊंगी अनीजा अनीजा अब तुम खाने का रिव्यू दोगी ना हाँ हम तुमसे रिव्यू लेंगे ठीक है जी और आसिफ से भी लेंगे आसिफ रिव्यू दोगे ना
मैं बनाई बुक। ओके अनीता क्या आया खाने में बताएंगी हमें मैडम? चलिए जी हम देख लेते हैं, इट्स कढ़ाई एंड नान टाइम। तो गाइस ये देखिए जबरदस्त सी गार्लिक नान, ये है हमारी गार्लिक नान। तो सबसे पहले तो नान पूड़ियाँ पराठे ये सब चीज़ें आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे नान, यहाँ पे पूड़ियाँ, कुछ लोग पूड़ियाँ खा रहे थे, कुछ लोग नान खा रहे थे। तो यहाँ पे जो है फिर वो और भी मज़ीद खाना आ गया था, प्लेटर आ गया था, प्लेटर में चिकन टिक्का था और ये कबाब थे अलग अलग तरीके के, राइस का टेस्ट अच्छा था। गाइस आज रेड कोल का खाना ट्राई कर रही हैं और अभी प्लेट में लिया है राइस और चिकन टिक्का और कबाब है, ये सीख कबाब भी है, टेस्ट करके आपको बताते हैं। सबसे अच्छा टेस्टी मुझे यहाँ का कबाब और राइस का फ्लेवर लगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने कढ़ाई भी ट्राई की थी इसके बाद नान के साथ, लेकिन राइस वाज आउटस्टैंडिंग, इट वाज वेरी डिलीशियस। तो आज वैसे तो हमने पिज़्ज़ा खाना था मगर पिज़्ज़ा अब किसी और दिन, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक खाएंगे, कल तो बच्चों का रिज़ल्ट है इसलिए आज ही खा लिया लेकिन एडवांस में। अनीजा खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया? अरे इंडियन बहन एक साथ बैठो। हाँ मैंने चॉकलेट आइसक्रीम भुलोड़े पापा ठीक है। मैं एक मिनट बेटा यानी मुझे सेम कर देना, अनिया तुम भी कर देना, साथ साथ कर दूँ क्या? ठीक है तुम भी चॉकलेट हो। कुछ चॉकलेट कौन है? गार्ड क्या है? चॉकलेट अरे कौन है चॉकलेट? तीन चॉकलेट ये आसे उठाओ अपनी राम होते ये किसका है तुम्हारी हाय मैं कॉफ़ी मंगा के फंस गई थी, शुक्र है मेरी भाभी ने मुझे अपनी क्रंच दे दी और मेरी कॉफ़ी ले ली। ये बहुत ज़्यादा कड़वी थी, इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था कॉफ़ी का, मुझे लगा था आइसक्रीम तो मीठी होगी मगर नहीं। तो अब आइसक्रीम भी हो गई, अब आज का दिन ख़त्म। तो अनीसा सबको बोलो कि अगली दफ़ा मिलेंगे, दुआ करिएगा इसके लिए। फर्स्ट आती हो कि फेल होती है। तो अनीजा सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करें और चैनल को क्लिक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए, बाय बाय।